अगर कोई बड़ा आदमी देख रहा है तो उसको पूरा देखे। त्योहार मना रहे हो या कंपटीशन चल रहा है या लड़ाई चल रही है, मुझे ये समझाओ पहले। अपना ईगो साइड कर लो, सद्दे से उड़ा लो। क्या होगा सद्दे से उड़ाओगे क्या बेटा? ध्यान से जाना, क्या पता तुम्हारे गर्दन पे लग जाए या ये हो जाए। एंड ये सारी चीजें ये समझो। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान से सुने, क्योंकि उसके पीछे कारण है। क्योंकि आप सुनेंगे तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, और यही चीज़ आप किसी अदर पर्सन को समझा पाएंगे जो आप समझे। जितना आप समझेंगे उतना ही आप समझा पाएंगे। तो चलो सीधे टॉपिक पे आते हैं। मकर संक्रांति से बात लेके रिलेटेड है कि ये जो आप मंजा यूज कर रहे हैं और ये पतंग उड़ा रहे हैं, मैं ना आई एम टोटली आप लोगों के साथ हूँ कि मकर संक्रांति में पतंग उड़ाना गलत नहीं, अच्छी बात है, उड़ाओ। मैं इसके आपके अपोजिट नहीं जा रहा आप लोगों कि आप मत उड़ाओ, आप लोग उड़ाओ। लेकिन अब क्या है ना, समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये समझना पड़ेगा, दिमाग का काम है। तो अगर इसको कोई बड़े लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे ये चाहूँगा कि आप ये जितने भी आपसे छोटे हैं बच्चे या जो भी, उनको आप ये चीज़ समझाओ। क्यों? क्योंकि आप समझाएंगे तभी वो दो लोगों को समझाएंगे, तो ये सबको समझ में आएगा धीरे धीरे। एकदम से नहीं हो पाएगा चेंजेस, लेकिन समझाना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि जरूरी पड़ गया। अभी मैंने देखा ये, अभी भी देखा और एक दो दिन में पहले भी देखा, जो ये चीज़ हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ सीधी सीधी। अगर आपको मकर संक्रांति मनानी है, आपको मनानी है, अच्छी बात, मनाइए। पतंग उड़ा के मनानी है, बढ़िया, कोई बात, मैं इसके आपके साथ हूँ, पतंग उड़ाइए मकर संक्रांति। लेकिन मेरे जो पॉइंट है ना वो समझिए, क्या आप मकर संक्रांति को पतंग उड़ाते हैं तो क्या पतंग सद्दे से नहीं उड़ा सकते? जरूरी है कि आप मंजे से ही पतंग उड़ाएं? क्यों जरूरी है? क्या नहीं है ना जरूरी है कि आप उड़ाएं मंजे से ही, सद्दे से नहीं उड़ सकता? है जरूरी। क्यों है जरूरी? ये बात मेरी ध्यान से समझना, ये बात ये बहुत जरूरी है समझाना सबको कि हाँ है जरूरी मंजे से उड़ाना। क्यों? क्योंकि इसमें आ जाता है ईगो लोगों का। सबसे बड़ी चीज है ईगो, ईगो आना। क्योंकि ईगो कैसे आ रहा है, मैं आपको ये बात क्लियर समझाता हूँ। ईगो कैसे आ रहा है, मैं उड़ा रहा हूँ, साइड में कोई उड़ा रहा है या पीछे छत पे कोई उड़ा रहा है, ठीक है। अगर मैंने सद्दे से उड़ाई और सामने वाला मंजे से उड़ा रहा तो मेरी पतंग कट गई, ईगो आ गया, उसने मेरी पतंग कैसे काट दी? त्योहार मना रहे हो या कॉम्पिटिशन चल रहा है या लड़ाई चल रही है, मुझे ये समझाओ पहले, मेरे को ये बात क्लियर करो। त्योहार मनाना है तुम्हें शांति से, या तुम लड़ाई दंगे कर रहे हो कि नहीं मेरी पतंग कैसे कट गई, तूने कैसे काट दी, एंड ये सारी चीजें ये समझो। तो ईगो को साइड में हटाओ भाई, तुम्हारे ईगो के चक्कर में कुछ लोगों की डेथ हो रही है, वो मेन पॉइंट है, उसको सामने लाओ। मेरा कहने का मतलब समझो, मेन कह रहा तुम उड़ाओ भी मत भाई, उड़ाओ पतंग, उड़ाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे ईगो के चक्कर में कोई सामने वाले के परिवार में से कोई जा रहा है, उसको बचाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इतने बड़े हो गए पतंग उड़ाने, छोटे बच्चों के समझ में आता है, लेकिन जो समझदार है वो भी मैं देखता हूँ मंजे से उड़ा भाई। तुम तो समझदार हो, तुम तो छोटे बच्चों को तुम ही तो समझाओगे, तभी तो आने वाला फ्यूचर समझेगा कि नहीं। क्या हो गया है भाई फ्यूचर को, क्या हो गया है? ऐसे इंडिया का फ्यूचर जाएगा? जो चीज़ समझने की वो समझ नहीं रहे और छोटे बच्चों के साथ लग रहे हैं? नहीं बेटा, ये वाला मंजा पक्का नहीं है। दूसरा, एक तरफ उड़ाना है और दूसरी तरफ फिर घर में बात भी चलती है आप लोगों के। बेटा ध्यान से जाना, क्या पता तुम्हारे गर्दन पे लग जाए या ये हो जाए। ये सबके घर में होता है, ये हमारे घर की बात नहीं, आपके घर में भी ये बात हुई होगी अभी जब उड़ा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इतनी खबरें आ रही है, तुम पतंग उड़ा रहे हो, शाम तक खबर आ रही है संक्रांत के दिन ये मर गया वो मर गया। अरे भाई, तो तुम ध्यान रखो ना, अपना ईगो साइड कर लो, सद्दे से उड़ा लो। क्या होगा सद्दे से उड़ाओगे, क्या हो जाएगा? कोई इंसान नहीं मरेगा किसी घर में, ठीक है, तुम सद्दे से उड़ा लोगे, कोई पशु पक्षी नहीं मरेगा, लेकिन तुम्हारा इंजॉयमेंट ही तो करना है तुम्हें, तो पतंग तो तुम सद्दे से भी उड़ा सकते हो। क्या हो गया अगर किसी ने काट दी तो भाई सद्दे से उड़ा लो और उड़ा लेना अगली, क्या हो गया, और उड़ा लेना, वैसे भी काटती तो है ना तुम्हारे पक्षी मंजिल से भी। तो मेरा यही कहना है भाई, अगर कोई बड़ा आदमी देख रहा है तो उसको पूरा देखे और प्लीज ये पूरी बात समझे और अपने से छोटों को समझाए। ये जरूरी है पूरी जगह फैलना, और जितने भी है आपके रिलेटेड वंस जिनको भी आप प्यार करते हैं
उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। ये कोई पॉपुलरिटी फेम के लिए कुछ नहीं बोल रहा मैं, जो एक नॉर्मल सी बात मेरे दिमाग में आई वो मैंने बताया। मैं चाह रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ मैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे मेरी। अगर इसमें कुछ वैलिड रीज़न लगे तो प्लीज़ शेयर करें आप अपने फैमिली में और इधर उधर। मैं डाल रहा हूँ, सी यू, गुड बाय। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये बोल रहा हूँ, ये बातें समझो यार, समझने की है।